जय भारत, जय श्री राम। सबसे पहले ये कर्मियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आरसपुरा हो, जम्मू के कोई भी बॉर्डर एरिया हो, जम्मू का सिटी इलाका हो या जम्मू कश्मीर हो, हमारी ओल्ड एज पेंशन्स को लेके या विडो पेंशन्स को लेके या दिव्यांग हमारे हैंडीकैप हैं भाई, उनकी पेंशन्स को लेके पिछले 5-6 महीने में जो काफ़ी मुद्दा जो गरमाया हुआ है, जिसके चलते हम लोगों ने प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया था। और हमने यही कहा था कि अगर एक हफ्ते तक जो है पेंशन रिलीज करने का काम नहीं किया डिपार्टमेंट ने, तो हम लोग जो है दिव्यांग हो, ओल्ड एज हो, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जहाँ हमारी विडो बहनें हो, उनको हम लेके जो है डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठेंगे, धरना करेंगे। जो कि कल हम लोगों ने वहाँ जाके पहले अपने डायरेक्टर जो मैम है हमारी विवेक शर्मा जी, उनसे मुलाकात की, कुछ डेलीगेशन लेके गए थे। और वहाँ पर जो इतनी अच्छे से ढंग से अपनी फ्रूटफुल जो मीटिंग हुई है वहाँ पर, बड़े अच्छे तरीके से मैम ने हमें जो है हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए काफ़ी अच्छी जो सौगात है हमारी ओल्ड एज पेंशन्स के लिए, विडो पेंशन्स के लिए, जाके हमारे अपने दिव्यांग पेंशन्स के लिए उन्होंने बोली कि जो जो जिन जिन के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, वो जो फॉर्म हैं हमारे पास या हमारे डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएं और उनकी पेंशन जो है रिलीज़ हम करवाएंगे। और कुछ विडोज की पेंशन जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, कुछ ओल्ड एज पेंशन्स भी जो है उन्होंने रिलीज़ कर दी है। और जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ जिनकी वजह से उनकी पेंशन्स या डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो रहे या पेंशन रिलीज नहीं हो रही, उनके लिए हमने आग्रह किया कि मैम, जो लोग अपने घर से या बॉर्डर एरिया से या किसी दूर दराज इलाके से डिपार्टमेंटों के पास नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे। तो उनके बिहाफ पे उन्होंने ये चीज़ बोली कि जिस भी एरिया में आप हमें बोलेंगे कि यहाँ पे लोग नहीं बाहर आ सकते, उनके लिए स्पेशल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसमें CSID के सेंटर के जो बंदे होते हैं वो साथ में एक एक नहीं दो दो डिप्यूट किए जाएंगे, और वहां पे उनके घरों में, उनके एरिया में, उनके मोहल्ले में जाके जो है पेंशन के फॉर्म सबमिट करके उनको पेंशन रिलीज करवाने का कार्य करेंगे। और जो हमारा सवाल उनसे एक और रहा कि जो कि हमारी 5 महीने से पेंडिंग पेंशन है, क्या वो उनको वो वापस मिलेगी। उन्होंने ये भी आश्वासन देते हुए कहा कि जो 5 महीने की पेंडिंग पेंशन है, एक वन टाइम तो हम दे नहीं सकते, लेकिन उसको पार्ट बाई पार्ट जो है उनको वो पेंशन भी जो है वापस मुहैया करवाई जाएगी, और पेंशन भी जो है इंक्रीज करवाने का हमने वहां पर दावा रखा। और उनके से उनसे डिमांड की कि हमें जो 1000 पैसे हमारे इन बुजुर्ग या हमारे दिव्यांग विधवा को कुछ नहीं बनता, जिसके चलते वो 1000 पैसे बढ़ा के उस पेंशन को इंक्रीज करें। और आश्वासन दिया कि पेंशन भी शायद उनकी इंक्रीज हो सकती है। और ये जो चीज़ है कि जिस भी यहाँ पे आरसपुरा के एरिया में जो भी हमारे माताएं बहनें या हमारे भाई या दिव्यांग जो भी बुजुर्ग हैं, वो अपना फार्म जो है अपने जितने भी उनके फार्म लगे हुए हैं, या तो हमारे पास या तो हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, उनको हम अपना नंबर दे देंगे कि वो हमें दें, और पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करके जो हम डायरेक्टर ऑफिस में सबमिट करके उनकी पेंशन जो है वो रिलीज करवाएंगे। और जहाँ पे जिस एरिया में अभी तक फार्म सबमिट नहीं हुए, तो वो फार्म सबमिट करने का जो कार्य है, हम वहाँ पर उनके एरिया में जाके जो है इस तरीके का जो कैंप है फॉर्म सबमिट करवाने का, वो हम करवा के लोगों को, हर एक एरिया के लोगों जो है पेंशन मुहैया करवाने का काम करेंगे।